बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैफुल्ला कश्मीरी और मेरी वजह शोहरत क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान है। तो आज मैं आपको सीड बॉल्स के हवाले से बताऊंगा कि वो कैसे बनती हैं। आपने मिट्टी लेनी है जो बहुत सख्त भी ना हो और नरम भी ना हो, मतलब दरमियानी सी हो। उसको गूंदना है, जिस तरह मैंने ये गूंद के रखी हुई है, ये बिल्कुल नरम मिट्टी है। ये लेके इसके अंदर बीज रखें, ये बीज रख दिया और इसको गेंद बना दें, ये एक बाल बन गई है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिर्फ ये है कि इसके अंदर आप एक एक बीज रखते जाएं, दो दो रखते जाएं, और मिट्टी जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और इसको एक बाल की शक्ल में करके रख दें। लेकिन इसको जो खुश्क करना है वो आपने साए में करना है, धूप में नहीं करेंगे। जिस तरह ये सारी बाल्स मैंने बनाई हुई हैं, 10,000 बाल्स का मैंने अभी टारगेट लिया है। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर मैं वो तैयार कर लूँगा। 500 से 700 एक बंदा आराम से कर लेता है एक दिन में। मैं जो इस टाइम बाल्स बना रहा हूँ उसमें सुहाइना है, पार्कन सोनिया है, शरी है, संथ है, सनथ है, आलू बुखारा है, आड़ू है, बकैन है, कीकर है, अमलतास है, सुख चैन है, नीम है। इस तरह का गरज जो भी बीज आपको मिलता है, बीज वैसे अगर आप किसी जगह पे डालते हैं तो वो ज़ाया हो जाता है। आप उसको मिट्टी लें, मिट्टी के अंदर बीज रख के उसको एक बाल बना दें और उसको खुश कर लें। जब आप किसी भी पहाड़ी इलाके में जाते हैं या जिस जगह पर आप दरख्त उगाना चाहते हैं, आप बस एक बाल उठाएंगे और वहाँ पर फेंक देंगे। ये मिट्टी है, जो ही बारिश होगी, नमी होगी, ये ज़मीन के साथ, मिट्टी के साथ मिट्टी वेल्ड हो जाएगी और यहाँ से एक पौधा निकल आएगा। तो ये पौधे दरख्त लगाना सदका जारिया भी है, हमारी मजबूरी भी है। आने वाले दौर में, इस दफ़ा कुवैत में 56 डिग्री तक गई है गर्मी, और वहाँ पर गाड़ियों के वो बोनट और वो चीज़ें पिघल चुकी हैं, और ये ना हो कि ये वक्त हमारे हाथों से गुजर जाए और फिर हम दिन में कहीं सूर्य की गर्मी से छुप के बैठें और रात को हमारे बाज़ार लगा करें। हमारे पास इतना सरमाया भी नहीं है, ये जो अशराफिया है ये भाग जाएगा, किसी भी मुल्क में जा के पनाह ले लेगा। हमारे पास तो इतना सरमाया ही नहीं है कि हम अपना मुल्क छोड़ के कहीं जा सकें। तो इस मुल्क के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसको हरा भरा करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप कोई भी फ्रूट खाते हैं उसकी गुटलियाँ साफ़ करके रख लें, सीड बाल बनाएं और सैर के लिए जिस इलाके में जाते हैं वहाँ पे डालते जाएं। अब ये जिस तरह मैंने तैयार की हुई हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बीज हैं जो मैंने इनके अंदर महफूज कर लिए हैं। इंशाल्लाह कल से हम ये बखेरना शुरू कर देंगे। जो पहाड़ियाँ नंगी हो चुकी हैं, नदी नालों के अंदर जहाँ पर दरख्त नहीं है, दरख्तों की ज़रूरत है, सड़क किनारे दरख्तों की ज़रूरत है, वहाँ पर बस हमने हमारा काम है फेंकते जाना। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट 100% हो, तो उसका एक कुलिया है। वो कुलिया ये है कि जब आप बीज की ये गोली या आप बाल बना रहे हों तो दुरूद पाक पढ़ दें, इंशाल्लाह आपका बीज ज़ाया नहीं होगा। उम्मीद है कि आप सब लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और इस पैगाम पर अमल भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।